गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, ये तो तुम जान ही रहे हो। कितने दिनों बाद मैंने व्लॉग शुरू किया, मैं मुझे लगता है 30 दिन हो गए, 45 दिन हो गए तब से अब ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ आज। और भाई बना, मैं पता भूल भी गया, मैं बहुत दिन, 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कैसे ब्लॉग बनाऊँ, पर बन ही नहीं पा रहे थे। फिलहाल मैं अब उठ चुका हूँ और लखनऊ में ही हूँ फिलहाल में। जो लोग पहले से देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि मेरा रूम देखो, वही लड़कों की तरह जैसा रहता है वैसे लड़कों का रूम मेरा भी है। और अभी हम उठ चुके हैं, सुबह बज के 9 बज गए। मैं चलो चलते हैं बाहर, दिखाते हैं तुम्हें बाहर का मौसम कैसा है और सारे दोस्तों से मिलाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाई कि मैं किस किस से नहीं मिला हूँ। मैं बताऊँगा तुम्हें क्यों मैंने व्लॉग नहीं डाले थे और कहाँ भी जीता क्या कर रहा था, वो मैं सब धीरे धीरे बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो चलो अभी घूमते बाहर। ये मेरी गाड़ी जो कि देखो कितनी गंदी खड़ी है यार, कितने दिन कुत्ते ने ये भी फाड़ दी, इसको भी सही कराएंगे अभी। अब सब कुछ सही हो जाएगा, पहले ये वाले कुत्तों ने फाड़ी है, देखो ये 1 2 3, ये वाला सबसे ज़्यादा शरारती है, ये वाला बहुत ज़्यादा। हाँ मुझे अब समझ में आ गया मैंने क्यों नहीं व्लॉग बनाया, सर्दी ज़्यादा पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी ना, तो मैं सोचा अंडरग्राउंड हो जाता तो हम अंदर घुस गया था ना, तो घर वालों ने कहा बाहर मत निकलो वरना सर्दी नहीं लग जाएगी, तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक पहला झूठा रीज़न, एक मेरा ये झूठा जो रीज़न दिया जाता है, मैंने एक तो मैं वो दे दिया, दूसरा मैं तुम्हें दिखाऊँ पीछे कितनी धूप निकली, गर्मी पड़ने लगी यार 45 दिन मैं क्या गायब हुआ, गर्मी पड़ने लगी। सुबह सुबह टपलू भाई की चाय। और टपलू भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, बड़े दिनों बाद दिख रहे ना। कह रहे भाई तुम तो गायब हो गए थे हर जगह से। भाई मैं हर जगह से गायब हो गया था। टपलू भाई की चाय पिला देता हूँ तुम्हें। हाँ ये कह रहा चालू हो गया तुम्हारा नौटंकी, फिर भाई ये नौटंकी है ना, बताओ भाई नौटंकी है ये, कोई बात नहीं चाय पी ले। और अभी एक और दोस्त आ रहा है उससे मिलाते तुम्हें, ठीक है? चलो भाई किताबों के बीच में आ गए, देखो कितनी सारी किताब। एक किताब ये हमारा दोस्त है, एक दोस्त है पुलिस वाला कांस्टेबल बन के, इसको सैलरी है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा ना, ये कह रहा है अब मुझे दरोगा बनना है। तुम ये देखो किताबें देखो मस्त, जिसको किताबें पढ़नी है ना वो किताब यहाँ से ले सकता है, कपूरथला मॉडर्न बुक, तगड़ी तगड़ी है देखो, ऐसी एक नंबर की किताबें हैं बहुत सारी। भाई किताब नहीं ली मैंने, सब ज्ञान ले लिया इनको, ऐसे सब ज्ञान ले ले रहा हूँ, सब किताबों का जितनी भी किताब है ना सब ऐसे पढ़ ले रहा हूँ एक बार में, कौन बार बार टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए ऐसे सब पढ़ ले रहा हूँ किताबें। वाह जय जय सरस्वती मैया। देख रहे भाई, हाँ क्या देख रहे थे बताओ? हरियाली। अरे यार कपूरथला की हरियाली देखने के लिए आए हैं। 15 दिन बाद। कितने दिन बाद आए हो? 15 दिन बाद आए भाई। पेपर कैसा गया ये बताओ? पेपर बढ़िया गया, 150 मार्क आए। कितने रुपए में लिए थे ये नहीं बताना कि? अरे भाई पकड़वा दो क्या? अरे देखो कितने खुश हो रहे हैं, ये पढ़े नहीं एक ये और ये बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तब इनका पेपर 150 में, 150 में 150 सही करके आए हैं। यहाँ तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, पूरे 12 घंटे आके सो जा दी, कोई मतलब नहीं है भाई। और सिस्टम है तुम्हारा है। बाबा जी कहीं से आ गया था सिस्टम वाला तो फिर हुआ क्यों? और ये सब तुक्के वाले हैं 150 ये। ये भी तो बता जे, कह रहा भाई मैंने कहा भाई यार 150 कैसे करके आया, कह रहा भगवान का नाम लिया सब 150 मैंने, कितने सही होंगे 150 मैंने, यार ये तो ज्यादा ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इनके चल रहा है फिलहाल। भाई मैं बता रहा था आपको कि पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, आंख बंद करिए जो है श्री राम का नाम लेके लगा दी, श्री राम जी आज चर्चा में है ना आजकल, उन्हीं का नाम लेके मारिए 150 भाई। यार सेविंग अकाउंट सेट करा लूं क्या? कैसे लग रहा है? टेलरिंग का करा लूं? करा लो, तो ये करा लीजिए, तो बढ़ गया, बढ़िया है ना, आप ब्लॉगिंग करना है और क्या करना है, बैक टू द बेसिक्स और हरियाली देखनी है। चलो बढ़िया कर लेते हैं यार, हरियाली तुमने देखो इतनी देर में हमें ब्लॉग बनाया तो मैं दिखी गई होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई ये रहे हमारे गौरव भाई, बहुत दिनों बाद मिले हैं, क्या हाल है गौरव भाई? भाई कितना खुश क्यों हो रहे हो बताओ, खुश क्यों हो रहे हो भाई? दरोगा बनने वाला है। और ये विशेष जो लाइब्रेरी में नहीं गया है अभी भी, क्या बच गया का नहीं गए लाइब्रेरी भाई? अब पढ़े क्या, अभी पढ़ के हम यहाँ से आएंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। ये पेपर लीक वालों की कहानियाँ बहुत चल रही हैं यार, सरकार को इस पर कुछ तो सख्त एक्शन लेना चाहिए, बता तुम्हारे हिसाब से क्या लेना चाहिए? हमारा भाई वो माया मैंने छोड़ दी है, ये कह रहा पढ़ाई से मुझे कोई संपर्क नहीं। हाँ बताओ तुम बताओ। मेरा दोस्त सचिन अट्टर रो रहा बेचारा, इतनी मेहनत की दिन रात उसने पढ़ा, 5 साल से तैयारी कर रहा है, समझ रहे हो? और फिर पेपर लीक हो गया भाई, सरकार तो करी नहीं लीक हुआ यार, ये झूठी खबर है ना, पहला देखो झूठी खबर अभी कोई क्लियर नहीं है लीक हुआ या नहीं, वो सरकार जब जांच करेगी तब बताएगी क्यों, जो सरकार ये रही सामने भाई। ये बताओ ये लीक है या नहीं भाई? कोई पेपर नहीं लीक नहीं हुआ है बस, बाबा जब तक बाबा है कोई पेपर लीक कोई नहीं सकता है। बहुत बढ़िया, ये भी
भाई पेपर लीक हुआ या नहीं ये बताओ बस। हुआ है। अरे यार भाई सरकार कह रही है नहीं हुआ है। ये सरकार अभी सरकार की तरफ से आए हैं। गाइस फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ और अभी हम जा रहे हैं लुलू मॉल। लुलू मॉल अंकित भाई मैं सत्येंद्र सो वैसे साथ में ही है सत्येंद्र। अच्छा कॉल भी आ गई किसी की यार को कॉल आ रही है एक सेकंड। फाइनली गाइस हम लोग आज मैं आ गया बहुत दिनों बाद आया हूँ 1090 पे। देखो 1090 का तुम लोग देखो क्या तगड़ा लग रहा है। 1 2 3 ये मिसाइल भी लग गई। ये यहाँ से कभी भी किसी भी देश पे मतलब पाकिस्तान में हमला करना हो तो यहाँ से हमला हो सकता है आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखाने के लिए बस ऐसा नहीं है मतलब बस दिखाने के लिए नहीं सीधी ये सकता है ना कि हमारी सैनिकों के पास क्या क्या शक्तियाँ। ये देखो भाई हमारे पुराने दोस्त अरविंद भाई सबसे ज़्यादा घूमने वाले इंसान हमारे बीच में। आई लव हमारा लखनऊ। देखो तुम कुछ और मत देखो तुम लोग पता नहीं क्या क्या देखते रहते यार। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हो भाई बताओ। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ये दोनों लोग ऐसे हैं कंटेंट नहीं निकालने देते। कुछ ही बोलो कह रहे मैं बता दूंगा मैं तो कंटेंट कहाँ बचेगा। कैंडी का काम करना पड़ेगा गर्मी से परेशान है। शिमला चला जाए शिमला क्या अब क्या चलो जम्मू कश्मीर शिमला नहीं चलो श्रीनगर कल निकला जाए।